हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जतिन आशर, मुंबई आई केयर से ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट आई सर्जन, और आज हम डिस्कस करेंगे कि 40 इयर्स की एज के बाद अगर आप चश्मे से मुक्ति चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या प्रोसीजर्स कर सकते हैं। 40 साल की उम्र के बाद लोगों को नज़दीक का चश्मा या प्रेसबायोपिया या प्लस रीडिंग एड की ज़रूरत पड़ने लग जाती है। इन केस में लोगों को जिनको दूर का चश्मा है और साथ ही साथ 40 के बाद जब पास का चश्मा लगने लग जाता है तो बायोफोकल या प्रोग्रेसिव चश्मे की ज़रूरत पड़ने लग जाती है। ये चश्मा हर एक को सूटेबल होना पॉसिबल नहीं होता है। कुछ लोग बायफोकल या प्रोग्रेसिव चश्मे में बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और ये पहनने से उनको ज़्यादा तकलीफ़ होने लग जाती है, जैसे कि ज़मीन ऊंची नीची लगना, फोकसिंग में तकलीफ़ होना, और ये सारे प्रॉब्लम्स के वजह से वो चाहने लग जाते हैं कि उनको चश्मे से मुक्ति मिल जाए। तो ऐसे केसेस में जहाँ पर आपको दूर का नंबर है और साथ ही साथ अभी 40 की एज हो गई है और पास का नंबर भी आ गया है, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली 40 इयर्स के बाद जिन लोगों को मायोपिया या माइनस नंबर होता है पहले, उनको जब प्रेस मायोपिया या प्लस नंबर आना शुरू हो जाता है तो उनको चश्मा निकाल के नज़दीकी नज़र अच्छी लगने लग जाती है। तो इन लोगों में ये टेंडेंसी पाई जाती है कि जब नज़दीक का कुछ काम करना होता है तो अपना दूर का चश्मा उतार के वो करने लग जाते हैं। ये करने से हालांकि कोई नुकसान नहीं होता है आँखों पर ये हर बार करना पॉसिबल नहीं होता है। कई बार आपको कोई मीटिंग में हो तो चश्मा उतार के नज़दीक का देखना या चश्मा नीचे करके देखना मुश्किल हो जाता है, बहुत एम्बेरेसिंग हो जाता है लोगों के लिए। साथ ही साथ जिन लोगों को प्लस पावर के चश्मे होते हैं दूर के लिए, जैसे कि हाइपरोपिया, उन लोगों को जब प्रेस बायोपिया मतलब नज़दीक का नंबर आने लग जाता है तो प्रोग्रेसिवली उनकी आँखों के प्लस नंबर बढ़ने लग जाते हैं, मतलब दूर का भी प्लस बढ़ने लग जाता है और साथ ही साथ पास का भी प्लस नंबर बढ़ने लग जाता है। तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं जिससे कि उनको चश्मे से छुटकारा मिल सकता है। पहले डिस्कस करते हैं जिन लोगों को दूर का माइनस नंबर होता है और पास का प्लस नंबर आ जाता है तो उन केसेस में हम क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं हमारे पास। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, जिनको दूर का नंबर माइनस का है और वो ज़्यादा नंबर है और पास का नंबर अभी प्लस का आ गया है, उन केसेस में हम मोनोविजन लेसिक का ऑपरेशन कर सकते हैं। मोनोविजन लेसिक क्या होता है? मोनोविजन लेसिक में हम आपकी एक आँख, जो कि आपकी डोमिनेंट आँख होती है, जो कि मोस्ट कॉमनली आपकी राइट आँख होती है, उसको कम्प्लीटली डिस्टेंस के करेक्शन कर देते हैं लेसिक सर्जरी द्वारा, और लेफ्ट आई या क्या और आपकी नॉन डोमिनेंट आई को हम एक अंडर करेक्शन मतलब दूर का थोड़ा सा नंबर छोड़ के करेक्शन कर देते हैं, जिससे कि जब आप दोनों आँखों से खोल के देखेंगे तो आपको दूर और पास की चीज़ें क्लियरली दिखाई देंगी। हालांकि इस केस में अगर आप एक एक आंख बंद करके चेक करेंगे तो एक आंख से आपको नज़दीक का और एक आंख से आपको दूर का क्लियर दिखाई देगा। ये ऑप्शन काफ़ी टेम्पररी होता है, जैसे कि आपको जो अंडर करेक्शन किया जाता है वो -0.75 या 1 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बाइनोकुलैरिटी फिर भी मेंटेन रहे। इससे ज़्यादा का डिफरेंस लोगों को बैलेंस करना कई बार मुश्किल लगने लग जाता है। तो जब तक आपका नियर का नंबर +1 के आसपास रहेगा तब तक कि आपकी नज़दीक की विजन इसमें अच्छी रह जाएगी और उसके बाद आपको नियर ग्लासेस की भी ज़रूरत पड़ जाती है। जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा हाई माइनस नंबर है दूर के लिए और उनको नज़दीक का नंबर भी आ गया है और वो लेसिक के लिए सूटेबल नहीं है, इस केसेस में हम प्रेसबायोपिक फेकिक IOL या प्रेसबायोपिक ICL या प्रेसबायोपिक IPCL की सर्जरी करा के उनका दूर और पास दोनों का नंबर निकलवा सकते हैं। इस केसेस में जिन लोगों को आपको लेसिक की सूटेबिलिटी नहीं है और हाई माइनस नंबर है, आँखों के अंदर एक ICL नामक लेंस के इम्प्लांटेशन से आपका नंबर निकलवाया जा सकता है और ये लेंस में एक प्लस ऐड भी होता है। अगेन, वो जो ऐड आपको दिया जाता है वो आपके एज अप्रोप्रिएट ऐड होता है, जो आपकी सर्जरी के टाइम की एज के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। जैसे आपकी एज बढ़ती है तो ये ऐड भी बढ़ सकता है और कुछ सालों बाद आपको नज़दीक के नंबर की फिर से ज़रूरत पड़ने लग सकती है। फिर तीसरी चीज़ हो जाती है, जिन लोगों को प्लस का नंबर है और जिन लोगों को लेसिक या ICL दोनों नहीं करवाना है, तो उस केस में हमारे पास क्या ऑप्शन है? तो आधुनिक टेक्निक में हम प्रीलेक्स या कि रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज द्वारा की सर्जरी करके लोगों की आँखों के अंदर के क्रिस्टलाइन लेंस को निकाल के उस केस में एक आँख के अंदर लेंस जो कि प्रोग्रेसिव लेंस या प्रेसबायोपिया करेक्टिंग लेंस या मल्टीफोकल IOL या एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस IOL डाल के हम
उनके दूर और पास दोनों के चश्मे से उनको मुक्ति दिला सकते हैं। ये सर्जरी टेक्निकली कैटरेक्ट सर्जरी या मोतियाबिंदों के ऑपरेशन की जैसा ही होती है, और इस केस में आपके लेंस को निकाल के अंदर एक प्रोग्रेसिव या मल्टीफोकल या प्रेसबायोपिक आईओएल डाल के हम आपकी विजन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये वन टाइम प्रोसीजर होता है, उसके बाद आपके चश्मे का नंबर आने के चांसेस नेग्लिजिबल होते हैं और कैटरेक्ट भी आपको फिर से डेवलप नहीं होता है। ये सर्जरी करके आप परमानेंटली अपने चश्मे से मुक्ति पा सकते हैं। ये प्रोसीजर में आपको इसेंशियली कैटरेक्ट सर्जरी की तरह ही प्रिपरेशन किया जाता है, और कैटरेक्ट सर्जरी की तरह लेज़र द्वारा आपके अंदर के लेंस को निकाल के एक आर्टिफिशियल लेंस बिठाया जाता है, और वो लेंस से आप आपके दूर और पास की विजन को एंजॉय कर सकते हैं। ये प्रोसीजर एक 10 मिनट्स की प्रोसीजर होती है। ये एक आँख में एट अ टाइम की जाती है, और सेम डे या अलग अलग दिन दोनों आँखों का किया जा सकता है। ये प्रोसीजर करने से आपकी विजन को एनहांस और इम्प्रूव किया जा सकता है, और आपको चश्मे से मुक्ति दिलाई जा सकती है। तो अगर आप प्रेस बायोपिक आईओएल या ईडॉफ लेंसेस या मल्टीफोकल लेंसेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे आगे की इस वीडियो को फॉलो कीजिए। थैंक यू।